यह एक अनोखी कहानी है, इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि सुनने के बाद आपको बुरा लगेगा, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते। टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो स्टार्ट करते हैं। एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की में से भीतर जाने लगा कि खिड़की की चौखट टूट जाने से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में जाकर अपनी टांग के टूटने का दोष उस मकान के मालिक पर लगाया। मकान मालिक को बुलाकर पूछा गया तो उसने अपनी सफाई में कहा, इसका जिम्मेदार वह बरही है जिसने की खिड़की बनाई। बरही को बुलाया गया तो उसने कहा कि मकान बनाने वाले ठेकेदार ने दीवार का खिड़की वाला हिस्सा मजबूती से नहीं बनाया था। ठेकेदार ने अपनी सफाई में कहा, मुझसे यह गलती एक औरत की वजह से हुई जो वहां से गुजर रही थी। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जब उस औरत को अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा, उस समय मैंने बहुत बढ़िया लिबास पहन रखा था, आमतौर पर मेरी तरफ किसी की नजर उठती नहीं है, सो कसूर उस लिबास का है जो इतना बढ़िया सिला हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, तब तो उसे सीने वाले दर्जी को बुलाया जाए, वही मुजरिम है, उसे अदालत में हाजिर किया जाए। वह दर्जी उस स्त्री का पति निकला और वही वह चोर भी था जिसकी टांग टूटी थी। यह इस जगत का सर्वाधिक आश्चर्यजनक नियम है, जो गंडे तुम दूसरों के लिए खोदते हो उनमें स्वयं गिरना पड़ जाता है। फिर तुमने चाहे गंडे जानकर खोदे हो चाहे अनजाने खोदे हो, जो कांटे तुम दूसरों के लिए बोते हो वे तुम्हारे ही पैरों में छेदेंगे। अगर फूलों पर चलना हो तो सभी के रास्तों पर फूल बिखराना, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दोगे, वही मिलेगा जो दोगे। जिंदगी दोगे जिंदगी मिलेगी, जिंदगी लोगे जिंदगी छिन जाएगी। जगत प्रतिध्वनि करता है, गीत गाओ, चारों तरफ से गीत तुम पर बरस जाएंगे। गालियां दो, चारों तरफ से गालियां तुम पर बरस जाएंगी। जो चाहो लो, मगर शर्त यही है कि वही दोगे तो मिलेगा। जगत प्रतिदान है, तुम दान करो, जगत प्रतिदान है, हजार गुना होकर लौट आता है सब। ये कहानी तो एक व्यंग्य है, एक मजाक है, मगर जिंदगी ऐसी ही है। अगर इस नियम को तुम पहचान कर चलने लगे तो बस तुम्हारा रास्ता स्वर्ग की तरफ मुद गया। अगर इस नियम को न पहचाना न समझे और इसके विपरीत चलते रहे तो नरक ही तुम्हारी मंजिल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।